गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग 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 मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम आज मेरा वाईफाई गड़बड़ हो गया है। किसका नाम बताइए मैम? बस आमद का। आमद का गलत हो गया है। अब कैसे पढ़ाई होगी? वाईफाई गड़बड़ हो गया तो मैम वही नहीं ना। देखो बताइए अब कैसे पढ़ाई होगी? कनेक्ट से कर रहा हूँ मम्मा। कनेक्ट से कर रहा हूँ ना। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। मम्मा के नेट से ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्या बेटा मैं लेकिन बीच में कट गया ना तो कोई बात नहीं, आप YouTube से देख लीजिएगा, YouTube से देख लीजिएगा ठीक है। आपकी बुक है ना इंग्लिश की? आपको बुक दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. आपके स्क्रीन पे आ रही है? Yes, ma'am. नहीं। कौन सी बुक है ये? इंग्लिश। 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 अच्छा इसमें क्या होता है बताइए? इंग्लिश की बुक में इंग्लिश क्या होता है? ए बी सी डी वाली बुक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये बताइए कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपको पता है? आपको पता है पढ़ रहे थे ना? वॉवेल। हाँ वॉवेल ओ साउंड पढ़ रहे थे। हाँ तो आज हम लोग इस बुक में वॉवेल ओ साउंड पढ़ेंगे ठीक है। आप लोग ये वाली बुक निकाल लीजिए और इंग्लिश की कॉपी निकालिए ठीक है। आप लोग ये वाली कॉपी निकालिए और बुक निकालिए। ठीक है। व्हाट इज द डेट टुडे? आप लोगों को पता है डेट कौन सी है? आज डेट कौन सी है? हाँ तो हम लोग पहले सिक्स लिखते थे, आज हम लोग ने क्या लिखा है देखिए? सेवन मंथ। तो ईयर का सेवेंथ मंथ चल रहा है ना, सातवां महीना चल रहा है 2021 का ठीक है। और डे कौन सा है? और डे कौन सा बेटा बताओ? थर्सडे। हाँ थर्सडे की स्पेलिंग किसी को आती है कि हम लिख दे? कोई बताएगा हमको थर्सडे की स्पेलिंग किसी को आती है? थर्सडे सबसे पहले क्या लिखते हैं? कौन बता रहा है हमको? नाम तो बता दो। अरे वाह चंद्रांशु, चंद्रांशु तो बहुत स्मार्ट हो गया है। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी काम करें ना, नहीं जल्दी समय खत्म हो जाता है ना। चलिए आपको इंग्लिश का वर्क करा रहे हैं आज हम, इसको कंप्लीट करा दें। आप लोग ये समझ डालिएगा, ये हम आपके हेल्प के लिए डाल रहे हैं। मैम ये अच्छा नहीं है। ये आप राइट मत कीजिएगा,
ठीक है, ठीक है मैम। ओ एक्स वर्ड एफ ओ एक्स ऑक्स ओ एक्स ऑक्स बी ओ एक्स बॉक्स एंड सी ओ एक्स बॉक्स F O X box O X or B O X box or बोलो और C O X box आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ अभी दिखाई देगा बेटा, एक मिनट दिखाई दे रहा है ना अब आप लोगों को? चलिए गाइड करिए इधर इधर राइट कर लीजिए, पहले पहले राइट कर लीजिए तब हम कराएं, इतना राइट कर लीजिए। देखो एफ ओ एक्स बड़ा सा लिखो यहाँ पे, यहाँ से पकड़ो एक्स 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 नो नहीं बड़ा सा पानी क्या लगाती कर लो पहले वे था मैजिक बॉक्स मैजिक बॉक्स लिखा हुआ है F O X box W O X X का phonetic sound भी X ही होता है, ठीक है X का phonetic sound भी X ही होता है, तो F O X box B O X box O X box sorry B O X box B O X box और सेंटेंस है with a magic box बोल क्लिक डब्लू बोलो एच सी यहाँ सी लिख ऐसे लिखो ना ये भैया लिखे पहले छोटा लिखो पी ओ एस M A G हो गया D I C G okay हो गया small letter I हो गया सबका नाम सब रुक गए अरे और भैया लोग लिखते हैं ना। चलिए अब लिखना है राइट
two rhyming words for each. Write rhyming words. Write W. मैम आओ क्या बेटा ये लिखिए मैम से पूछो मैम दूसरे पेज पे मैम दूसरे पेज पे हाँ दूसरे पेज पे बेटा दूसरे पेज पे लिखना है लिख देना अच्छा राइट टर्न मैम लिख लिए नहीं लिख पाई इतनी जल्दी अभी तो मैम लिखी है कहाँ से लिख लोगी ये लिखो जो लिखा है ये देखिए दो आपने आप लिख रहे हैं आर आर लिखिए डब्ल्यू बताइए लिखो डब्ल्यू वो जी वर्ड्स हैं हाँ तो डॉग हमने लिखा तो डॉग से मिलते जुलते आप लिखिए आपने राइट कर रही है टी एच ई लिखे यहाँ पर भाई जल्दी जल्दी लिखी है ना हाँ स्मॉल लिख चाहिए था स्मॉल स्मॉल लिखना देखो पापा जी स्मॉल एस आई लिखो खुला हुआ देखिए ना हम तो हट गए वहां से आराम से लिखिए देख देखिए हम हटा नहीं रहे टी वाई जल्दी से हाँ डब्लू देखिए मैम कौन कर रहा है कौन नहीं आई आर यहाँ पे एन जी मेरे तुम तो प्लेट आप नहीं दिखा रहे एन जी डायमिक एन जी एन जी बटी हो गया डी ओ जी डॉग तो बताइए अब हम उससे मिलते जुलते क्या सब लिख दें वर्ड क्या लिखे आपको हिंदी में ही मैम ने कल बताया था ना जो एक जैसे वर्ड होते हैं ठीक है डी ओ जी डॉग लिखा है ना हमने अब हम और क्या लिखे बताइए इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा एफ ओ जी फॉग डॉग का राइमिंग वर्ड क्या होगा एफ ओ जी फॉग हाँ अब हम क्या लिखेंगे हाँ डी ओ जी डॉग एफ ओ जी फॉग राइमिंग है ना देखिए इसमें भी ओ जी है इसमें भी ओ जी है ना डॉग फॉग अब बताइए यहाँ क्या लिखे कौन बताएगा नहीं फ्रॉग भी हो सकता है डॉग फॉग फ्रॉग मगर और भी कुछ हो सकता है ओजी वाला ना हो ओजी किसके अलावा कोई छोटा ओजी का ही बताइए छोटा डॉग फ्रॉग लॉग ना फ्रॉग फोर अक्षर का हो जाएगा ना आप लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा फ्रॉग भी हो सकता है गलत नहीं है ठीक है एफ आर ओ जी क्योंकि उसमें भी ओजी है तो ठीक है मगर आप लोग छोटा छोटा अभी लिखिए आप लोग को बाद में लिखने में आसानी होगी डॉग फॉग लॉग ठीक है अब बताइए कॉप का सी ओ पी कॉप एल कौन बताएगा डब्ल्यू का सी ओ पी कॉप समझाशु बता रहे हैं आप यस मैम अगर चाहे किसी एक को जल्दी बड़ा कर दे या तो हाँ समझाशु बताइए
पॉप पॉप का राइमिंग क्योंकि ओपी ओपी लगाना है ना, तीनों में ओपी होना चाहिए. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लिख रहे हैं. अब कौन बताएगा संस्कार? संस्कार आप बताइए. नहीं, अब हमको इसका बताइए. अब इसका राइमिंग क्या लिखे हम? सी ओ टी कौन लिखा है? अब इसका राइमिंग वर्ड हम क्या लिखे जिसमें ओ टी आता है? ऑट हो गया. अब हम क्या लिखे इसके बाद? सी ओ टी कॉट तो हमने लिखा है ना. अब आगे आप बताइए. सामर्थ आप बताइए. H-O-T, अब हमको लिखना पड़ेगा एच ओ टी हॉट ना, क्योंकि क्योंकि ओ टी वर्षा होगा ना, सब में ओ टी ओ टी होना चाहिए. तो सी ओ टी कॉट एच ओ टी हॉट मैम कार का भी नीचे का नहीं हुआ. मैम छोड़ दिया है नीचे की लाइन. नीचे की लाइन कर लीजिए, छोड़ दिया. एक लाइन बची है ना, उसको कंप्लीट करा दे. अब है हाथ चलाया करो जल्दी. लिखो सी या लिखो सी ओ सी ओ सी के टी ओ वाई टी के टी ओ सी के लिखो तो M यानी तो M O बना पीछे तो किसी के लिए छोड़ के ना
बड़ा सा ओके सी टी ओ सी के हां फटाफट लिख सी ओ सी अच्छा सी बीच में एकदम बड़ा सा बोर्ड पे लिखा है ये अच्छे से अच्छा आर आर ओ कैसे नहीं होगा मोल आर कैसे होता है हाँ ठीक है इसको कंप्लीट कर लीजिए फिर दूसरा काम कराएगा सी ओ सी के सी बोलो ओ ऐसे सी ओ सी के पॉप एम ओ सी के मॉप आर ओ सी के रॉक एक लाइन में देखिए बेटा हम तो खटे हुए हैं देख लीजिए आप लोग यहाँ देखो वी यहाँ देखो ऊपर से ऊपर देखो किसको नहीं दिखाई दे रहा है एकदम साफ स्किन पे आ रहा है बेटा मैम को दिखा दिखाइए शो करिए पहले अपना नाम बताइए फिर शो करिए जो मैं सामर 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 कहाँ है आप शो करिए अरे वाह सामर वेरी गुड सामर खूब गुड बॉय हो गया अब आप दिखाइए तंबी तंबी शो करिए दिशा आप दिखाइए तो मैम मेरा दिल गया हो गया करिए करिए जल्दी जल्दी करिए अभी हाँ वेरी गुड तन्वी वेरी गुड दिशा आपका हो गया दिशा चंद्रांशु शो करिए त्रिशा वेरी गुड वेरी गुड बेटा Yeah, ओ बना ओ जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए तो फिर दूसरा काम कराएं वेरी गुड बोलो ओके बेटा ओके ओके बी चलो सबका हो गया तंबी आपका हो गया निशा यस मैम बोल सबका हो गया वेरी गुड चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे साउंड ऑफ वोवेल यू थोड़ा सा करवाएंगे ज्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि फिर आप लोग हाथों में दर्द होने लगता है ना थोड़ा सा काम कराएंगे थोड़ा सा कर लीजिए तो आप लोग का वोवेल तो कम से कम कम्प्लीट हो जाएगा चलिए अब हम लोग ने ए ई आई ओ वावेल के साउंड के सारे वर्ड्स लिख लिए ना अब क्या बचा ए ई आई ओ अब क्या होता है वावेल बताइए लास्ट वावेल कौन सा है ए ई आई ओ यू बचा है ना तो हम लोग क्या करेंगे अब वावेल साउंड यू के वर्ड्स लिखेंगे यहाँ पे आप लिख लीजिए न्यू पेज ओपन कर लीजिए यू के वर्ड लिखिए इसको उतारिए अच्छे से आराम से लिखिए बहुत धीरे धीरे लिखवाएंगे बहुत धीरे धीरे आपको आराम से सुंदर सुंदर राइटिंग बनाइए सुंदर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
यूएन बर्ड्स, यूएन बर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे सन गन ना? हो गए यूएन, यूएन लगा है, सन गन पानी बन, एस यूएन सन, ऐसे क्या बनता है ज़ा, जैसे सामर्थ है ना, सामर्थ किससे है, स से है ना, सामर्थ का पॉइंटिंग साउंड स का, एस का स होता है, तो हम लोग एस यू वर्ड्स पढ़, यूएन वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, तो एस यू एन स और न सन, ये होता है स, ये होता है अ, ये होता है ना सन, यू लिखो इसका लेटर B U N B A N A बन ऐसे F U N fun, F का पॉन्टिक साउंड होता है fun, और R U N and and one bad boy bad लिखो F U N लिखो sun S U N sun करके
पक्का हो गया एन एन नो मैम नहीं हुआ ये हो गया ये हो गया ना एक बार हाँ चलिए अब हम लोग लिखेंगे यूवी वर्ड यूवी वर्ड आप लोग कर लेंगे तभी हम लिख पाएंगे सारे लोग कर लीजिए सब बता दो संदर्भों का हो गया क्या ओके ओके बेटा चलो अब हम लोग यूवी वर्ड्स लिखेंगे इसको राइट कीजिए टी यू वी टब टी यू वी क्या हो गया टी यू वी टब 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 टी यू वी टब टी यू वी टब एच यू वी हब और आर यू वी रब सब लोग हाँ बेटा हाँ सारे वर्ड्स अलग अलग लिखना है एक ही पेज में ऊपर वर्ड्स लिख लीजिएगा नीचे सेंटेंस लिख लीजिएगा सबको दो से तीन बार लिखना है ठीक है जैसे एक पेज में लिखा आधे में वर्ड्स लिखा आधे में सेंटेंस ठीक है नहीं तो एक एक पेज भी लिखिए अच्छा अब इसका सेंटेंस है डोंट हाँ बोलिए हाँ बोलिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा है ओके बस एक लाइन और लिख लीजिए बस इसके बाद नहीं लिखवाएंगे बस ये वाला लाइन ये वाली लिख लीजिए डी ओ एन टी आर यू बी रब वाई ओ यू आर यू आईज ई वाई एस डोंट रब योर आईज बस इसको लिख लीजिए अब हम नहीं लिख पाएंगे ठीक है तब सी यू बी तब सी यू बी कब एच यू बी हब आर यू बी रब अब सेंटेंस इसका डोंट रब योर आईज बस इतना कंप्लीट कर लीजिए और इसको होमवर्क में भी पूरी पूरी लाइन लिखिएगा होमवर्क भी हम आपको नहीं देंगे इसको कंप्लीट कर लीजिए ठीक है सब लोग कंप्लीट कर लीजिए बताइए आर यू बी आर स्मॉल आर यू छोटा सा हाँ ओ यू बी वाई देखो ये लिखा है वाई ओ यू आर निशा ने पोयम बहुत अच्छी सुनाई है सामर्थ ने बहुत अच्छी सुनाई है संस्कार ने बहुत अच्छी सुनाई है अब ना चंद्रांशु की अभी तक पोयम आई और ना ही तन्वी की आई क्यों आप लोगों को लर्न नहीं हुई अभी तक आज हमको भी तो आपने भेजा नहीं वीडियो
ठीक 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 तन्वी आपने भी नहीं भेजा, आपको कोई एक्टिविटी नहीं आती बेटा, आप भी भेजिए, पता तो चले कि आपको याद हो जाते हैं। कितने जाने सामर्थ में संस्कार में तीनों से बहुत अच्छी थी, भेजी है ना? आप भी भेजिए, ठीक है? जितनी याद हो रही उतनी याद करके भेजिए, ठीक है? अच्छे से एक्शन के साथ हो गया सबका सामर्थ, हो गया सामर्थ? यस मैम। अपने हाथ को रिलैक्स कर दीजिए थोड़ा सा, हाँ पेंसिल रख दीजिए नीचे, हाँ मम्मा को दे दीजिए, आराम से थोड़ी देर बैठ जाइए ना। संस्कार आप पास लिखा करिए। नहीं मैम, इनको स्कूल बुला लेंगे ना हम, क्यों संस्कार? हाँ मैम, बुला के पीटिए तभी ये सही होगा। देखिए बेटा, जब ओपन होगा तभी तो आएंगे ना, ना अभी तो ओपन ही नहीं है बड़े ही बच्चों का, तो आप लोग तो अभी बहुत छोटे से है ना, नहीं खुला है बेटा, खुलेगा तो आपके पास नोटिस आएगी पहले, वो यहाँ पे नहीं है बेटा, कहीं बाहर खुला है, दूसरे शहर में इलाहाबाद में नहीं खुला है, और पहले बड़े बच्चों का खुलता है ना, आप लोग तो अभी बहुत छोटे, पहले थोड़े बड़े बच्चों का खुलेगा फिर आप लोग का खुलेगा, ठीक है? अपलोड डॉक्यूमेंट तैयार है, घर में ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए ना, थोड़ा थोड़ा याद करिए, ठीक है? ठीक हो गया सबका, बाय बेटा, बाय।